फिर भी ये ढक्कन फेंकेगा, फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा, यानी कि रोटी को आप अपनी ताकत से कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस रोटी अपनी साइज नहीं बदलेगी। अब आइए सीरियसनेस पर, रोटी अपना साइज नहीं बदलेगी। तो रोटी जो दब रही है, तो रोटी में ऐसा क्या पार्टिकल है जो दब जा रहा है? जहां जहां आटा है वहां वह नहीं दबेगा, क्योंकि वो मैटर है। हाँ ठीक है, तो जहां जहां आटे से बनी रोटी है वहां नहीं आएगा। अब रोटी जो आपने सेकी थी, बहुत सारे एयर पार्टिकल्स भी आए थे, कुछ हिस्सा मैंने उसमें होल दिखता है, झेद दिखता है, वो हिस्सा कंप्रेस होता है। तो अगर आपकी कॉपी में अगर ये मटेरियल लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं, अगर मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूं तो बहुत सारी लाइन जो छोड़ी गई है उसको आप हटा सकते हैं, बहुत सारे आपने मार्जिन दिए हैं वो हटा सकते हैं, मतलब मार्जिन का मतलब ऊपर वाला ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस। मैं ज़बरदस्ती पर उतर चुका हूँ कि मुझे इसी में तुमको बाकी नोट्स लिखवा ही देना है। तो मतलब नो यूजेज या विदाउट यूजेज जो ब्लैंक एरियाज हैं उनको हटाया जाता है, या जिप का सॉफ्टवेयर करता है, जिसके लिए दो एप्लीकेशन बहुत फेमस है, एक है विन जिप और एक है विन रैर। विन जिप पेड सॉफ्टवेयर है, उसको बिना खरीदे आप अगर यूज करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो सिर्फ 7 दिन फ्री यूज करने देगा, इसके बाद से पेड, यानी कि कुछ पैसा मिलेगा जो डॉलर्स में है, आई थिंक $26 है कीमत, आप समझ लीजिए। लेकिन विन रैर आपका फ्री वर्जन है, आप कभी भी यूज कर सकते हैं, कोई डाउट है? तो जिप करने का मतलब है कि वही कंटेनर है, कंटेनर का साइज नहीं बदलेगा, उसी कंटेनर में मुझे ये सारी फाइल डाल देनी है, समझ लीजिए। ये क्लास 10 का थ्योरी है, फिर भी बोल रहा हूं एग्जांपल के लिए। एक मेल में मैक्सिमम कितना डेटा जा सकता है एक सिंगल मैन मेल में? अब सन्नाटा आ गया, मतलब आप मेल कर रहे हैं मुझे, आप अपना प्रोजेक्ट मेल कर रहे हैं या कोई फोटोग्राफ्स मेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप नहीं कर रहा हूँ। व्हाट्सएप के वीडियो का भी एक लिमिटेशन है कि नहीं है? एक सिंगल व्हाट्सएप के में 25 MB से ऊपर नहीं उठाता, हाँ या ना? और मैक्सिमम वीडियो का लेंथ कितना होता है? 3 से 5। बहुत हाई है अगर आप सेटिंग करते हैं या बिजनेस वाला व्हाट्सएप यूज करते हैं तो कुछ रिलायबिलिटी मिल जाएगी, फिर भी आप 1 GB का फाइल तो नहीं भेज सकते हैं। दूसरा, अगर आप फोटोग्राफ भेजते हैं तो उसका क्वालिटी रिड्यूस कर देता है, आप 3 MB का फोटो भेजिए उसकी क्वालिटी हो जाएगी 160 KB की, 130 KB की, कहाँ 3 MB कहाँ KB, तो रिड्यूस क्या किया?